शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर के पास हमले की साजिश रचे जाने की सूचना फोन कॉल से मिलने के बाद पुलिस ने मातोश्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में 14 जनवरी को एक फोन कॉल आया था। इसमें कुछ लोग उर्दू में बातचीत करते हुए मातोश्री पर हमले की बात कर रहे थे। पुलिस ने इसके बाद सतर्कता के तौर पर उद्धव ठाकरे के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी। सीएम एकनाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। पूर्व सीएम के सिक्योरिटी कवर के साथ आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस से नियंत्रण कक्ष में 14 जनवरी की शाम को मातोश्री के पास हमले को लेकर धमकी भरा कॉल आया था। उनके मुताबिक फोन करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि मातोश्री को खतरा है क्योंकि उसने 4-5 लोगों को ठाकरे के घर के सामने हमला किए जाने की बात करते हुए सुना है। अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले ने दावा किया है कि वह मुंबई गुजरात ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जब उसने कुछ लोगों को उर्दू में हमले की साजिश के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने बताया कि कॉल का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मातोश्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने खतरे की सूचना देने वाले शख्स का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद है।